ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्लान्स एंड हायर एजुकेशन, रोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन हायर एजुकेशन डेवलपमेंट, रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, कौमी तामीर में हायर एजुकेशन का क्या करदार है। हायर एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्लान्स, हायर एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्लान्स, इंडिपेंडेंस, वन यूनिवर्सिटी एंड 40 कॉलेजेस इन फोर प्रोवेंसेस, आजादी के वक्त एक यूनिवर्सिटी और 40 कॉलेजेस चार सूबों में मौजूद थे। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1947, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज एंड कैट्स फोकस ऑन क्वालिटी हायर एजुकेशन। 1956, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री। 1959, यूजीसी पावर्स एक्सपेंड्स एंड अपॉइंटेड एज फेडरल कमीशन। 1960, 912 मिलियन रुपीज स्पेंट एनुअली फॉर 1960 to 1965 कॉलेजेस इनटू फुल स्केल रिसर्च यूनिवर्सिटीज विल एस्टेब्लिश विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अराउंड 4,30,000 स्टूडेंट इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन पीरियड ऑफ 1960 to 65। 173.8 मिलियन एक्सपेंडिचर्स इंस्टेड एलोकेशन ऑफ 278.6 मिलियन। हायर एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्लान्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पॉलिसी 1972, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनलाइजेशन प्रोग्राम। नेशनलाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। 2 ईयर कॉलेजेस वर ट्रांसफर टू यूनिवर्सिटी स्टेटस, 2 साल प्रोग्राम वाले कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी का मकाम दिया गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वर नेशनलाइज्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो थी उनको नेशनलाइज किया गया। स्पेंट 70% ऑफ नेशनल रिसोर्सेज ऑन हायर एजुकेशन एफर्ट्स। नेचुरल रिसोर्सेज का, कुदरती जराए का 70% हिस्सा जो है वो हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने की कोशिशों पर सर्व किया गया। इनरोलमेंट इन यूनिवर्सिटी इंक्रीज टू 56%। यूनिवर्सिटियों में इनरोलमेंट जो है तादाद वो 56% बढ़ाई जाएगी। इंटीग्रेशन वॉज सॉर्ट फॉर सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू नेशनलाइजेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, हार्मोनाइजेशन विद इस्लामिक कंसेप्ट्स एंड नेशनल आइडियोलॉजी। 2002, डिवेल्यूएशन ऑफ यूजीसी इन टू हायर एजुकेशन कमीशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009, डेवलप मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफिकेशन एंड एक्रीडेशन। हायर एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्लान्स फ्रॉम 2017 टू 2025, इनरोलमेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.276 मिलियन ड्यूरिंग 2001 एंड 2 टू 1.298 मिलियन बाय 2014 टू 15। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER वाज जस्ट 10% ड्यूरिंग 2015 टू 16। इनरोलमेंट ऑफ फीमेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 36.8 इन 2001 टू 47.2% बाय 2012। फीमेल्स की, लड़कियों की तादाद जो है वो बढ़ाई गई, जो कि 2001 में 36.8% थी, 2014 में 47.2% हो गई।
इंक्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बढ़ाई गई फ्रॉम एग्जिस्टिंग 99 2015 टू 195 बाय एस्टेब्लिशिंग 95 न्यू यूनिवर्सिटीज बाय 2025। प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज को बढ़ाया गया जो कि 2015 तक 99 थी और 2025 तक 96 और बनाई गई यूनिवर्सिटीज, नई यूनिवर्सिटी बनाई गई 2025 तक और इनकी तादाद 195 हो गई। प्रोजेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 75 टू 105 बाय 2025। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बढ़ाई गई जिनकी तादाद उस वक्त जो है 76 थी उसको 105 तक ले जाएगा, 300 इन द कंट्री, और 2025 तक 300 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां स्टैब्लिश हो जाएंगी। प्लान टू सेटअप 72 न्यू स्मार्ट सब कैंपसेस, सब कैंपसेस जो है वो उनको बढ़ाया गया 72 तक। एग्जिस्टिंग 2015 इनरोलमेंट ऑफ 1.298 मिलियन इन पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्ट यूनिवर्सिटीज एंड इन एफिलिएटेड कॉलेजेस शैल बी इंक्रीज टू 7.172 मिलियन बाय 2025। चैलेंजेस फॉर हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, लो पार्टिसिपेशन रेट, जर्मनी 10%, जी आर ओनली 10%, ओनली 8%, अर्बन कैंपसेस 65 बाय 120 डिस्ट्रिक्ट विथ नो यूनिवर्सिटीज, क्वालिटी एजुकेशन ओनली 27%, फैकल्टी PhDs, लैक ऑफ रिसर्च कल्चर, नो अप्रोप्रिएट बजट, गवर्निंग इश्यूज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नो अटेंशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये चैलेंजेस थे हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में। PhD फैकल्टी कम थी जो कि सिर्फ 27% थी, रिसर्च कल्चर नहीं है, बजट नहीं है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, सियासी मुदाखलत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो है और अर्बन कैंपसेस डिस्ट्रिक्ट और काफी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है यूनिवर्सिटीज ही नहीं थी, पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम था। रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में मुख्तलिफ तंजीमों का करदार, हायर एजुकेशन कमीशन HEC, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल PEC, नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशनल एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल NAEAC, नेशनल बिजनेस एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल NBEAC, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल NCEAC, ऑफिसेस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन और ORIC। मेन फंक्शंस ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, बुनियादी काम क्या है हायर एजुकेशन कमीशन के, क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च सपोर्ट, क्वालिटी एजुकेशन को यकीनी बनाना और रिसर्च में मदद फराहम करना, फंडिंग बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड नीड्स, फंड मुहैया करना परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर और जरूरियात की बुनियाद पर, कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड इंफॉर्मेशन, नेशन वाइड जो है पूरी कौम की पूरी मुल्क की जो है इंफॉर्मेशन रखना, पॉलिसी फॉर्मेशन बनाना, एडवाइस फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एडवाइस करना प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, मनसूबाबंदी और तरक्की के लिए, एडवाइस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री फ्राहम करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एडवाइस करना, असेसमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड एक्रीडेशन, क्वालिटी एजुकेशन को जांचना, सपोर्ट फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज हम निसाबी सरगर्मियों के लिए भी सपोर्ट फ्राहम करना। इम्पोर्टेंट रोल ऑफ HEC, इंट्रोडक्शन टू सेमेस्टर सिस्टम, HEC ने क्या क्या है, सेमेस्टर सिस्टम जो है उसको
लागू किया है, उसको मुतारफ करवाया है, एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसी। प्लेजरिज्म पॉलिसी जो है उसके खिलाफ पॉलिसी बनाई गई है प्लेजरिज्म को ख़त्म करने के लिए। क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल्स QECs बनाए गए हैं, क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल्स। एक्सटेंडिंग इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ बैचलर डिग्रीज, बैचलर डिग्रीज जो है जैसे अब 4 ईयर का कर दिया गया है, पहले जो 2 ईयर के होते थे। ग्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है, GPA। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स बनाए गए हैं IT की। HEC प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। रिवीजन ऑफ करिकुलम को रिवाइज किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। अवार्ड ऑफ इंडिकेट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप प्रारंभ किए गए हैं। ग्रांट ऑफ फॉरेन स्कॉलरशिप वजायफ दिए गए हैं। ट्रेवल ग्रांट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ट्रेवल ग्रांट जो है वो भी मुहैया की गई है शिरकत के लिए। कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के दरमियान रिसर्च के लिए ताउन किया गया है। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स लाई गई हैं।